अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका विद रूबी। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे देख रहे हैं, आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, कितना स्मूथ और कितना क्रीमी है। ये देखिए कितना थिक है, ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं इस मजेदार फ्रूट कस्टर्ड को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है और इसे कैसे बनाया है मैंने। ये मैंने फ्रूट कस्टर्ड में ऐड करने के लिए कुछ फ्रूट लिए हैं, आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एप्पल लिया है, सेब है ये जिसे मैंने ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है, ये मैंगो है, आम है ये, इसे भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये बनाना है इसे भी मैंने ऐसे कट कर लिया है, और ये ग्रेप्स है, अंगूर, इसे मैंने ऐसे दो टुकड़ों में कट कर लिया है, ये मैंने अनार लिया है। फ्रूट कस्टर्ड में एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इन फ्रूट्स के अलावा भी मैंने यहाँ पर ये तीन खजूर लिए हैं और यहाँ पे मैंने सात आठ काजू लिए हैं। वैसे ये दोनों टोटली ऑप्शनल है लेकिन इन्हें ऐड करने से फ्रूट कस्टर्ड में बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर दूध है, और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून शुगर, चीनी है ये, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप दूध। मैंने ये वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे, इसमें मैं सबसे पहले मैंने जो आधा लीटर दूध लिया था उसे यहाँ पर ऐड करूंगी। मैं अब इसमें हाई हीट पर एक बॉयल ले लूंगी। ये देखिए दूध में अब बॉयल आने लगा है, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। दूध अब मीडियम फ्लेम पे बॉयल हो रहा है तो मैं इसी बीच यहाँ पर मैंने ये जो चीनी ली थी वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। मैं अब इसे ऐसी ही मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लूंगी जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीनी भी इसमें बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाए। जब तक दूध मीडियम फ्लेम पे बॉयल हो रहा है तो तब तक मैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐसे डालती जाऊंगी और एक इसका स्मूथ सा घोल तैयार कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने जो दूध इसमें डाला है वो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध मैं यूज कर रही हूँ। देखिए मैंने एक लम्स फ्री स्मूथ सा घोल तैयार कर लिया है। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे दूध को बॉयल होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चीनी भी इसमें अच्छे से डिजोल्व हो गई है। मैं अब यहाँ पर मैंने ये जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था उसे यहाँ पर ऐसे ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए हमें इसे एक साथ नहीं डालना है, इसे हमें बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बस ये ध्यान रखना है कि एक हाथ से हमें इसे डालना है और एक हाथ से हमें लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो मैं अब इसे ऐसे लगातार स्टिर करते हुए 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लूंगी जिससे ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए इसे लगातार स्टिर करते हुए पकाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। मैं अब फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे एक बोल में शिफ्ट करके इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही ठंडा होने दूंगी। ये देखिए मैंने इसे एक बोल में शिफ्ट कर दिया है तो ये देखिए ये कितना स्मूथ है और देखिए इसमें एक भी लम्स भी नहीं है, कितना परफेक्ट बना है। तो अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। तो ये देखिए इसके रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, ये पहले से काफी थिक हो गया है। ये देखिए मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था 1 घंटे के लिए, अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब ये पहले से काफी थिक भी हो गया है। तो आइए अब इसमें फ्रूट ऐड कर लेते हैं। मैं अब इसमें एक एक करके सारे फ्रूट ऐड कर दूंगी और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट ऐड करने हैं तो आप इसे पहले से कट करके बिल्कुल भी ना रखें। जिस टाइम पे आपको इसमें बस ऐड करना हो तो आप इसे उसी वक्त ही इसे कट करें और जब कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो तभी इसमें फ्रूट को ऐड करें। मैंने यहाँ पर सारे फ्रूट ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लूंगी इस कस्टर्ड में। मैं अब इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें यहाँ पर काजू भी ऐड कर दूंगी जो मैंने लिए थे, मैंने यहाँ पर खजूर भी ऐड कर दिए हैं और सबसे लास्ट में इसमें अनार के दाने से ऊपर से गार्निशिंग भी कर दूंगी।
मैंने इसमें जो खजूर और जो काजू ऐड किए हैं, इससे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखिए, बेहतरीन मजेदार हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे ऐसे ही ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। आप इसे रमजानों में इफ्तारी के टाइम भी खा सकते हैं या फिर सहरी के टाइम भी आप इसे लीजिए। ये बहुत ही मजे का लगता है उस टाइम पर। आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, कितना क्रीमी है और कितना थिक है। ये बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हुआ है। आप इस रमजान मेरी इस फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।